इस औरत को मैंने मध्य प्रदेश की लोहारपुरा की हाट से खरीदा है, सिर्फ 250 रुपये में। एक बैल के खातिर इससे कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। चंबल के उस तरफ लोहारपुरा में इंसानों की हाट लगती है, इंसानों की हाट। छोटी बड़ी उम्र की औरतों की खुलेआम नीलामी बोली जाती है। लोग दूर दूर से बोली बोलने आते हैं। औरतों का नीलाम विश्वास नहीं होता था। बोली बोलने वाला ग्राहक औरत को टटोल मसल कर अंदाजता है, कसवा है या थुल थुल, जवान है उतरी हुई, अच्छी भली है रुकी, छातियां मजबूत है, तुम्हें तकलीफ होती है ना। मगर इस कमला के लिए ग्राहक नहीं मिल रहा था। मुंडी नीचे करके एक कोने में बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो हम इसे खरीदेंगे। आई बॉट हर डर्ट चीप। मैं वहां गया था इस साबित करने की इस किस्म की हाट आज भी इस देश में लगती है। तुम जैसे कईयों को पता तक नहीं कि ऐसा होता है। पुलिस वालों के सत्य मालूम होता है मगर मंजूर करने को तैयार नहीं। और सरकार, सरकार हमारी क्या कहने, वो एकदम पवित्र, वो कहती है शांतम पापम। इन अखबार वालों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का गैर इस्तेमाल करने की बड़ी बुरी आदत पड़ गई है। सब मुझे भी कहां अच्छा लगता है, मगर किसी ना किसी को तो ये लिखना ही था ना। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इसके बारे में सबसे पहले लिखा था, और जब लिखा था तब मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन गंध मिली थी कि ऐसा होता है। हमेशा की तरह पुलिस वाले कानों पर हाथ झाड़ कर रखे थे, और गृहमंत्री ने तो अभियोग भी लगाया था कि ये पत्रकार वाले झूठ लिखते हैं। तब किसी ना किसी को तो करना ही था ना। तब जान हथेली पर रखकर मैंने मास्क की हाट ढूंढने निकाली। वहां पहुंचने वाला पहला पत्रकार हूं मैं। अब मैं सबूत के दिखा दूंगा कि इस पाप की गठरी के लिए सरकार जिम्मेदार है। लेट देम डिनाई दिस टाइम बास्टर्ड। अब पकड़ा ही मैं ऐसे साले। देखो तुम अभी किसी को एक आनोखान खबर मत होने देना कि ये यहां है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने दो, उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब तक के लिए साइलेंट रहना।